तो भाई जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, हम आए हुए हैं यहाँ पे मंसूरी। मंसूरी में भाई अभी हमने दिन में जो है भद्राज टेम्पल गए थे और भाई काफ़ी इन्जॉय किया, जो नेचर का व्यू था वो लिए और भाई काफ़ी मज़े आए। तो शाम हो चुकी थी, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी, भैया से पूछा हमने भाई तो मंसूरी रोड मॉल रोड जो है वो हम पैदल जा सकते हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि यार जाएंगे बाइक कहाँ खड़ी करेंगे, तो वो सब थोड़ा सा वैसा लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि आप वॉकिंग डिस्टेंस जा सकते हो, 300 मीटर पे ही है ऊपर जाके। तो हमने बोला चलो क्यों ना यार, एक बार जब रात को यहाँ पे रुके ही हैं तो एक बार मॉल रोड घूम के आते हैं। और काफ़ी सुना भी है मैंने कि भाई रात को काफ़ी अमेजिंग लगता है, तो एक बार देख भी लेते हैं क्या है। तो चले चलिए फिर। फिर चलते हैं, निकल रहे हैं यहाँ पे और मॉल रोड के मजे लेंगे, मॉल रोड के मज़े लेंगे, देखेंगे भाई कैसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी सारी बिल्डिंगें, पहाड़ों को काट काट के बिल्डिंगें बनाई हुई हैं भाई। काफ़ी मतलब देखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और मतलब हम भी इंजॉय करेंगे। मतलब सब लोग कहते थे कि भाई मसूरी की नाइट लाइफ इंजॉय करो ना भाई, वही हम भी देखते हैं एक बार कैसी रहती है। तो निकल पड़े भाई अपने होटल से बाहर, तो चलते हैं भाई। भैया ने तो बोला वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, देखते हैं भाई कितना वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो चलते हैं भाई। तो भाई पैदल ही पैदल चलाए, 200 मीटर बोला था और आधा किलोमीटर पूरा चल चुके हैं, सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते, खड़ी चढ़ाई। तो भाई पहुंच चुके हैं मॉल रोड और भाई काफ़ी तगड़ी भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, वही एक आधा पराठा खाया हुआ है। तो भाई निकलते हैं और यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है, तो निकलते हैं भाई फटाफट, हम निकल जाते। तो भाई नाइट लाइफ फाइनली पहुंच चुके हम और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। मार्केट देख सकते हो आप, जो कि मॉल रोड है मंसूरी की। तो भाई अगले बंदे ने सही बोला था, हमें लगा 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो चलते हैं भाई, चलते हैं इधर, चलते हैं अंदर। तरुण भाई अंदर चलो और जल्दी से ले चलो खाना खाने। मोमोज कहाँ है? मोमोज तरुण भाई, मोमोज मोमोज चलो, किधर जाना, किधर चलना है? तो ऐसे यार मेरा फूफा का मार्केट हो ये। और तुम्हारा फूफा का ही होगा तो बता दो। अच्छा देखते हैं, तुम्हारे फूफा भी दिल्ली रहते हैं क्या? अरे नहीं, मैं ये सब नहीं खाता भाई। मोमोज तो खाते हो? मोमोज खा लेता हूँ। चलो आगे चलते थोड़ा सा और, भाई आए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। हो गई तो भाई यहाँ पे रुक गए भाई, कहते भुट्टा खाएंगे मोमोज खाएंगे और रुक गए यहाँ पे। और जैसे आप देख पा रहे हो भाई क्या मार्केट है पूरी। तो भाई इस टाइप की मार्केट है ये पूरी, जैसी अपनी दिल्ली में होती है सेम वैसी। और इस टाइम काफ़ी रौनक लगी हुई है और काफ़ी लाइटिंग हो रखी है। तो भाई रुका हुआ है, कहता मोमोज खाएंगे, तो मिल गए आपके प्यारे मोमोज। चटनी ठंडी है लेकिन मोमोज एक नंबर के हैं। भुट्टा उड़ के आ रहा है। भाई कैसे लग रहे हैं आपको मोमोज, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। तो भाई मॉल रोड के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड पे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए ये खाना खजाना,
जो कि एवरेज खाना खिलाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है। किसी ने हमें सजेस्ट करा, बाकी हमने प्राइस पूछे हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। तो तरुण भाई बैठ चुका है और तरुण भाई ने लिया है राजमा चावल। तो राजमा चावल, तरुण भाई के राजमा चावल आ चुके हैं और हमने लिया थाली। तो खाना देख के और पैसे देख के कैसा लग रहा है आपको? खाना खाया नहीं है। अच्छा, खाने के बाद बताते हैं कैसा है। तो भाई यहाँ पे आ चुकी है थाली। थाली में है आलू गोभी की सब्ज़ी, राजमा, सलाद, रोटी, चार रोटी और चावल आपको मिलेंगे, जो कि इतना सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ आपको 120 रुपए में। मतलब टूरिस्ट प्लेस में इतना कुछ मिल रहा है और वो भी 120 रुपए प्लेट। तो भाई बहुत शानदार, मतलब जिसने भी सजेस्ट करा है हमें बेस्ट करा है। तो खाते हैं और निकलते हैं फिर घूमने के लिए। खाना खा के आराम से निकल चुके हैं और तरुण भाई अपने गोप्रो वगैरह की सेटिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं गोप्रो दिलवा दो ना, गोप्रो जो कर रहे हो। अरे भाई गोप्रो, हाँ हम तो हर चीज़ को गोप्रो ही मानते हैं, चाहे इंस्टा हो जाए। तो भाई गोप्रो लगा रहे हैं वो। और भाई खाना मैं बहुत बताऊँ, अगर प्राइस देखोगे तो भाई बहुत बढ़िया खाना था। तो चलते और देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या है घूमने के लिए। तो निकल पड़े सड़कों पे, सड़कें ही नापेंगे अब तो। तो भाई निकल चुके हैं आगे और देखते हैं भाई कौन कौन सी शॉप्स हैं। शॉप्स देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे है मेकअप की शॉप, शूज की, और जहाँ पे हम खाना खा रहे थे उन अंकल ने बताया कि भाई आज जो है ऑफ है, मतलब यहाँ पे भीड़ नहीं है, ऑफ सीज़न चल रहा है इसलिए अभी भीड़ नहीं है। अगर आप ऑन सीज़न में आओगे तो भाई तुम्हें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाइक तो बहुत दूर की बात है, बाइक तो छोड़ो, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो भाई चलते हैं। और मतलब हमारी किस्मत अच्छी है यार, जहाँ भी जाते खाली मिलता है हमें। तो चलते हैं भाई, और ऑफ सीज़न है, भीड़ है, तो आराम से घूम रहे हैं। और अगर यहीं पे पीक होता तो भाई इतना खुला खुला नहीं घूम पाते, ना ही ये ब्लॉगिंग कर पाते, क्योंकि आपको पता ही है भाई हमें इतना, इनको क्या हो गया। पहली बार मैंने 4K में शूट किया। 4K में शूट किया, वाह। बताओ क्यों? क्यों आप बताओ ना, पूछ रहा हूँ। तो क्यों बताओ, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था 4K शूट कैसे होता है। अच्छा, वाह 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 वाह, भाई कैमरा यूज़ कर रहा है, भाई को पता ही नहीं कैमरा यूज़ कैसे होता है। 4K ऑप्शन ना, यस, सेटिंग नंबर के बाद आ रहा है। अच्छा, ये मेरा प्योर वाइड में करूँगा तो 4K नहीं आ रहा। ओके, तो भाई चलते हैं। ये वाला चाकू 380। ये कोई भी 120 के? अरे वो ना घुमाने वाला, कितने के? 220। हल्टा दे तो खो जाए घर जाते भाई। कितना चाहिए तुम्हें बताओ? यहाँ पे रखी है, गन वगैरह भी रखी हुई है, सब चीज़ मिल सकता है आपको। लगेगी नहीं है? हाँ यार, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ तुम्हारे मन जाती है ना, दिल्ली में भी मिल जाएगा ये सब। कार देखो भाई, कार वाले कितनी तगड़ी कार लगी हुई है यहाँ पे। तो भाई चलते चलते आप देख रहे होंगे बादल यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं, आज तो बादल पीछे ही नहीं छोड़ रहे। और बताऊँ भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बूंदें भी पड़ने लग गई हैं। तो हम निकल रहे हैं भाई घर के तरफ, क्योंकि
कुछ भी मिल नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा जो भाई अट्रैक्ट करे, तो निकल रहे हैं भाई होटल के तरफ और होटल में जाएंगे आराम से गेम वेम खेलेंगे और रात बिताएंगे, उसके बाद मॉर्निंग में निकल जाएंगे भाई आराम से, क्योंकि बूंदे पड़ने लग गई हैं भाई, ज़्यादा देर रुकेंगे तो भाई गीले भी हो सकते हैं। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर अपना होटल है, तो चलते हैं भाई और आपको एक बार दिखाएंगे भी हम कहाँ रुके हैं, आप भी रुक सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है और फेमस भी है काफ़ी वो, तो एक बार उसका भी हम व्यू दिखाएंगे आपको। तो भाई मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं भाई, बहुत मज़े ही मज़े आ रहे हैं सुबह से। अच्छा। पहले बाइक चलाई, बाइक राइड करी, बाइक राइड करने के बाद फिर और बाइक राइड करी, मतलब एडवेंचर वाला, और ऑफ रोडिंग तो आज बहुत ही कर ली, मतलब पल्सर के सारे टेस्ट हो गए आज ऑफ रोडिंग के, और बिल्कुल पास बिल्कुल हो गई, पास होगी भाई, पास होगी पल्सर N250 पास हो गई भाई। सेकंड चीज पैदल भी हम बहुत चले, पैदल भी बहुत चले, जो मेन चीज है ना जो बादल देख रहे थे वो भाई आंखों के सामने ऐसे देखें, बिल्कुल अभी भी उड़ रहे हैं, हुआ कि हमसे हम बादलों से ऊंचे थे, बिल्कुल मजा आ गया। तो चलते हैं भाई, बारिश हो गई है, चलते हैं अपने होटल में और वहाँ पे गेम वगैरह खेलेंगे।